हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PR क्लासेस 199 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की थ्योरम में काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो थ्योरम रहेगी, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फ्रेंड्स इस तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आ सकता है कि सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, या फिर इसे दूसरे टाइप से भी लिख कर आ सकता है, ऑब्टेन दी सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये टू टाइप से लिख कर आ सकती है। तो आपको इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये हमारे जो चैप्टर चल रहा है हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशंस से ये मैंने थ्योरम लिया है। हमारी बुक चल रही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का अगर आप कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं, या इसके साथ साथ बहुत सारे पेपर देखना चाहते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फ्लूइड डायनामिक्स, तो इस तरह के आप इस चैनल पर सभी पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ देखेंगे, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिख कर आएगा, तो ये आपको इक्वेशन लर्न करनी होगी। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंसीडर दी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको फ्रेंड्स लर्न करनी होगी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में केवल लिखा हुआ आया कि सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो ये आपको इक्वेशन लर्न करनी होगी। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सपोज दैट दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ऑफ द फॉर्म। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे हम यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से ये फ्रेंड्स आपको इक्वेशन लर्न कर लेनी है। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन से इसे मान लेते हैं इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की फिर यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इधर एक्स डैश इंटू टी आ जाएगा। इसी तरह से इसे अगेन अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश टी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ लिखेंगे एंड फिर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स टी डबल डैश आ जाएगा। तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फिर उसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो एफ यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू वैल्यूज इन वन वीकेट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डबल डैश टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर और फिर एक्स टी डबल डैश। यहाँ से हम एक्स के टर्म एक साइड कर लेते हैं और टी के टर्म एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स डबल डैश, ये एक्स हमारा अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से इधर टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये टी हमारा अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू से कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन थर्ड और यहाँ लिखेंगे वेयर म्यू इज दी सेपरेशन कांस्टेंट। जो म्यू हमने लेट किया वो हमारा सेपरेशन कांस्टेंट है, इज दी सेपरेशन कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन थ्री से देखेंगे, तो फ्रॉम
थ्री वी कैन डिस्कस दैट। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, फिर ये थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स, तो एक्स को हमें इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू म्यू एक्स आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे मान लेंगे इक्वेशन फोर। इसी तरह से अब सेकंड और थर्ड को, एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, तब क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे एंड सेकंड और थर्ड, तो टी डबल डैश और माइनस का म्यू सी स्क्वायर टी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, इसे इक्वेशन मान लेंगे फिफ्थ। अब हम इक्वेशन फोर और फाइव को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ, देन वी गेट इक्वेशन फोर हमारे पास कितनी है, एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले तो इसमें फ्रेंड्स हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में म्यू इक्वल टू जीरो पुट करके देखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड में हम म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड में हम म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करके देखेंगे। तो पहले तो म्यू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेन म्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, तो म्यू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो इसे और सॉल्व करते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए वन आ जाएगा, फिर इसका हम अगेन इंटीग्रेशन करते हैं, तो एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस का नया इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए टू आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इक्वेशन फाइव को सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन फाइव है, यहाँ म्यू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा टी डबल डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो टी डैश इक्वल टू ए टू हमारा कॉन्स्टेंट आ चुका है, तो यहाँ हम नया कॉन्स्टेंट ए थ्री लेट कर लेंगे। इसे अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तो टी इक्वल टू ए थ्री टी प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए फोर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से जब म्यू इक्वल टू हमने जीरो पुट किया, तो हम हमारी जो सलूशन आएगा निकल के, जो इक्वेशन हमारी सेकंड थी यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स एक्स टी टी, ये हमारे पास इक्वेशन टू थी, तो यहाँ से हम कंप्लीट सलूशन लिख सकते हैं, तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है ए वन एक्स प्लस का ए टू, और फिर टी की वैल्यू आई ए थ्री टी प्लस का ए फोर, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन सिक्स, जब हमने म्यू इक्वल टू जीरो पुट किया। अब हम म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे और लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन में वेन म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, देन तब देखेंगे फ्रॉम फोर से, इक्वेशन फोर है एक्स डबल डैश माइनस का म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार की इक्वेशन आती है, इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स मैंने अलग से वीडियो बनाई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहले हमें इसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन लिखनी होगी, तो दी ऑक्जिलरी इक्वेशन एच, ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो आई लैम्डा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस वन होती है। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई
डी इक्वल टू प्लस माइनस आई लैम्डा। तो ये हमारे पास रूट निकल के आ गया, यानी डी इक्वल टू प्लस माइनस आई लैम्डा। अब हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, जिसे हम सी एफ बोलते हैं। तो सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ यहाँ देखेंगे ये हमारा इमेजनरी है, यानी आई लैम्डा आया। तो बी वन, यहाँ फ्रेंड्स हमने ए वन से लेकर ए फोर तक कांस्टेंट लिए थे, अब यहाँ हम बी वन से लेकर बी फोर तक कांस्टेंट लेंगे। तो बी वन कॉज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। और पी आई फाइंड कर लेंगे, तो पी आई हमारा इसमें क्या होगा, यहाँ देखेंगे जो हमें इक्वेशन है उसमें इक्वल में जीरो हो, तो पी आई हमारी जीरो होगी। तो हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन, यानी सी एस एच एक्स इक्वल टू बी वन कोज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं टी की वैल्यू, उसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इतनी सी आ जाएगा, यानी कि तो पी थ्री कोज सी लैम्डा टी प्लस का बी फोर साइन सी लैम्डा टी। अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं यू एक्स कॉमा टी में, तो यहाँ लिखेंगे देन यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू बी वन कोज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स इंटू बी थ्री कोज सी लैम्डा टी प्लस का बी फोर साइन सी लैम्डा टी। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेवन, जब हमने म्यू इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर पुट किया, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो था, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे केज थर्ड, केज थर्ड में देखेंगे वेन म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास जो इक्वेशन फोर से देखेंगे तो एक्स डबल डैश माइनस का लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो थी ऑक्जिलरी इक्वेशन एच, तो डी स्क्वायर माइनस का लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो से और सॉल्व करते हैं, तो डी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से हम डी की वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस लैम्डा। तो अब यहाँ से हम कंप्लीट कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेंगे, तो सी एफ एच इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। अब पी आई तो हमारा जीरो होगा, तो यहाँ से हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन, यानी सी एस एच एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। हम इसी तरह से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सी थ्री की पावर सी लैम्डा टी प्लस का सी फोर ई की पावर माइनस सी लैम्डा टी। ऐसे यू एक्स कॉमा टी के फॉर्म में लिख लेंगे, तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू की पावर माइनस लैम्डा एक्स, और फिर टी की वैल्यू तो सी थ्री ई की पावर सी लैम्डा टी प्लस का सी फोर ई की पावर माइनस सी लैम्डा टी। इसे इक्वेशन मान लेंगे एट, तो सिक्स सेवन एट ये हमारी थ्री इक्वेशन आई हैं, जब हमने म्यू इक्वल टू जीरो पुट किया, म्यू इक्वल टू फिर माइनस का लैम्डा स्क्वायर, फिर म्यू इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर द वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय, तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स जो हमारे पॉसिबल इसके जो सोल्यूशन आए हैं निकल के इक्वेशन सिक्स और सेवन एट। तो इक्वेशन जो सिक्स है यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस का ए टू और ए थ्री टी
प्लस का ए फोर, ये आई ए सिक्स, फिर सेवन में यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू बी वन कोज लैम्डा एक्स प्लस का बी टू साइन लैम्डा एक्स इंटू बी थ्री कोज सी लैम्डा टी प्लस का बी फोर साइन सी लैम्डा टी, ये हमारे पास सेवन। और फिर एट यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस का सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू सी थ्री ई की पावर सी लैम्डा टी प्लस का सी फोर ई की पावर माइनस का सी लैम्डा टी, ये एट। तो इस प्रकार से हमारे पास ये थ्री सोल्यूशन निकल के आए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी थ्योरी है उसे मैं यहाँ लिखूँगा। तो फाइनली तो यहाँ फ्रेंड्स हमने लिखा है फाइनली सिंस वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑन वाइब्रेशन यू एक्स कॉमा टी मस्ट बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टी, दस यू एक्स कॉमा टी मस्ट इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स, हेंस द सॉल्यूशन गिवन बाय एट इज द ओनली सुटेबल सॉल्यूशन, जो इक्वेशन एट है वो हमारे सुटेबल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारे इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।